अरे अपनी आंखों पर से ये सही और जगताप की बंदी झूठ की पट्टी हटा और देख, मैं इस बात को हरगिज नहीं मानने वाली कि सभी तेरी बेटी है। पता नहीं ये बच्ची कहां से आई है। अरे सई को ये घर छोड़े बहुत साल हो गए हैं, इतने सालों में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और जगताप का बाप बोल रहा था ना कि सई और जगताप का रिश्ता है, तो हो सकता है कि सई ने जगताप से ही बस। अब इसके आगे एक और शब्द नहीं काको। सही बदतमीज हो सकती है, बददिमाग हो सकती है, लेकिन बदचलन बिल्कुल नहीं। और यहां खड़ा हर एक इंसान ये बात जानता है। सही के स्वभाव में लाख दोष हो सकते हैं, लेकिन उसके चरित्र में बिल्कुल नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सई का किसी और आदमी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा होगा। यह गलती मेरी ही है जो इस बात को समझने में, उसका एहसास होने में मुझे इतना वक्त लग गया। मैं बार बार सई से पूछता रहा कि सभी किसकी बेटी है, सभी का बाप कौन है, कौन है उसका बाबा, लेकिन उसने एक भी बार मुझे नहीं जवाब दिया। लेकिन इस बार उसने खुद मुझसे यह कहा है कि सभी उसकी और मेरी बेटी है। और अगर सही ने कहा है ना कि सभी मेरी बेटी है, तो सभी मेरी बेटी है, क्योंकि सही झूठ नहीं बोलती। खास तौर पर उसकी बच्ची की पहचान को लेकर तो कभी भी नहीं। वाह विराट वाह, सही ने कहा और तूने मान लिया। कौन है वो, क्या है वो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? नहीं, मैं ये बात मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं कि सभी तेरी बेटी है। जब तक तू डीएनए टेस्ट नहीं करवाता, जब तक तू ये साबित नहीं करता कि सभी तेरी बेटी है, वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। और तू भी उसे अपनी बेटी नहीं मानेगा, समझ लो। अब मैं उसे इस घर से बाहर निकालने जा रही हूं।